नमस्कार नमस्कार, आदर सत्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। अब प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिताजी ने बताया था कि बेटा जब भी बड़े बूढ़े या मेहमान सामने बैठे हो तब उन्हें प्रणाम कर देना चाहिए। ये बात और है कि मैं खुद भी काफी बड़ा हो चुका हूँ। अब बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन बड़ा तो हो चुका हूँ। पर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तब एक छोटा सा बच्चा याद आता है जो एक दिन सड़क पर चला जा रहा था, जिसने हवा में एयरफोर्स का जहाज उड़ते हुए देखा। बस उस दिन तय कर लिया कि बड़ा होके एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो 26 जनवरी की परेड देख ली। आर्मी के जवानों ने राष्ट्रपति को सैल्यूट मारा, जय ढका। उस दिन फाइनल कि बड़ा होके आर्मी का जवान ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सुनील गावस्कर सामने चौक का मारा, चक कितना दस और रन। उस दिन फाइनल कि बड़ा होके देश के लिए क्रिकेटर ही खेलूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पता चला कि इनमें से किसी के भी काबिल नहीं हूं। फिर किसी ने बताया कि भाई चेहरा बड़ा प्यारा है, देखने में भी ठीक ठाक हो, स्माइल भी बड़ी प्यारी है, दूर से देखो तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते हो, खाली हाइट बॉडी और आवाज में ही तो मार खाते हो, एक्टर बन सकते हो, तो भाई फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। आइडिया अच्छा लगा, हिंदुस्तान के हर नौजवान को ये आइडिया सूट करता है, मुझे भी सूट किया। बस उठाया बोरिया बिस्तरा और पहुंच गया सीधा महानगरी मुंबई। आते ही एक स्टूडियो में गया तो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मैंने किसी से पूछा, भाई साहब ये यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका नाम क्या है? अरे तुम नाम की बात करते हो, अभी तक स्टोरी फाइनल नहीं हुई है। वो तो हीरो की डेट मिल गई इसलिए मुहूर्त कर लिया, शूटिंग तो अभी 2.5 साल के बाद है। फिर किसी ने बताया कि वहां पीछे कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोहली साहब का दफ्तर है, उनकी कोई नई सी ऊपर बैठा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अंदर कुर्सियां होंगी, स्टूल होंगे, सोफे होंगे, तो कोहली साहब स्क्रिप्ट पे ही क्यों बैठे हुए हैं। आगे जाके पता चला कि जब भी ये फिल्म वाले कहानी पे काम करते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम स्क्रिप्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। म्यूजिक पे काम करते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम म्यूजिक के ऊपर बैठे हुए हैं। हीरो ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम हीरो के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर हीरोइन ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम हीरोइन के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आधा घंटा और बैठा रहा तब सामने का दरवाजा खुला तो एक छोटा सा मोटा सा आदमी बाहर आया। सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद बॉल, सफेद दाढ़ी, हाथ में 555 का पैकेट लिए। मैं समझ गया यही कोहली साहब होंगे, मैंने वही पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, सर जी ऐसे 2 मिनट के लिए मिलना था सर से। सर मैं पटियाला से हूँ सर, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोहली साहब भी पटियाला से ही है। यार हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। शुरू होना एक ही पल में कैसे हो सकता है, पर हुआ साहब हुआ और मैं चला गया कोहली साहब के कैबिन में। वहां जाके खड़ा हुआ तो याद आया कि कोहली साहब ने कहा था कि जाके बैठो, तो मैं बैठ गया। चारों तरफ देखने लगा तो चारों तरफ फिल्मों की ट्रॉफियां पड़ी थी। मतलब ये ट्रॉफियां समझते ना आप, क्यों भाई साहब ट्रॉफियां समझते ना आप? फिल्म वाले जो अपने ही पैसों से ट्रॉफियां बनवाते हैं, फिर अपने ही पैसों से कोई बहुत बड़ा सा फंक्शन करते हैं, फिर अपने आप को ही दे देते हैं, और उनके परिवार वाले
खड़े खड़े तालियां बजाते हैं। फनाली फिल्म डायरेक्टेड बाय कोहली साहब साइन सो एंड सो गोल्डन जुबली। फनाली फिल्म डायरेक्टेड बाय कोहली साहब साइन सो एंड सो सिल्वर जुबली। फनाली फिल्म डायरेक्टेड बाय कोहली साहब साइन सो एंड सो 100 days 100 days 50 days 50 days 10 days। मतलब कि भाई साहब वो वाली फिल्म बनी नहीं बनी, चली नहीं चली, ये खाली कोहली साहब को ही मालूम है, फिर भी ट्रॉफी बना के रख दी। बड़ी हिम्मत है भाई, बड़ी हिम्मत है। सामने देखा तो एक बहुत बड़ी मेज थी, उसके पीछे एक कुर्सी थी और उसके पीछे एक दीवार थी जिसपे दो तस्वीरें थी, एक थी साई बाबा की, मैं प्रणाम किया, दूसरी थी एक बूढ़ी औरत की जिसके गले में माला और नीचे अगरबत्ती लगी हुई थी। तो मैं समझ गया कि हो ना हो ये कोहली साहब की स्वर्गवासी माता जी होंगी। माँ की आंखों में देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। ऐसा लगा कि वो माँ मुझे कह रही है, मत से काम ले बेटा, मत से काम ले, इस शहर में सब खाली आते आते हैं बेटा, जो कोहली है ना कोहली, ये भी पहले खाली आते आया था बेटा, ये पहले खोली में रहता था बेटा, और अब एक बहुत बड़ा बंगला है इसका, तो हिम्मत से काम ले बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि इतने में कोहली साहब की एंट्री हुई। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर। यार गुड मॉर्निंग यार, पिक्चर बैठ जा यार। आज बताओ जी कैसे आना हुआ? सर जी एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था सर जी। हाँ बताओ पुत्र, की कमर कर दे तो अटन। अब मैं कहने तो वाला था कि सर जो रोल दे देंगे वो कर लूंगा, छोटा रोल बड़ा रोल एक्स्ट्रा का रोल दे देंगे वो भी कर लूंगा, पर मुंह से निकल आया सर आप जो काम देंगे मैं वो कर लूंगा। जो कम ऐसा है हैप्पी पुत्र, हमारी ना एक नई फिल्म शुरू हुई है सपने की इंसानियत और मोहब्बत, तो उसकी शूटिंग कल सुबह इसी स्टूडियो में 9:30 बजे है, तो तू आ जाना। इफ यू कम यू गेट सम कम, एंड इफ यू डोंट गेट सम कम, एंड रिमेंबर दिस थिंग, आई एम कॉलिंग यू बिकॉज आई लव योर स्माइल, आई लव योर स्माइल। सर कहाँ पे आना होगा सर? स्टूडियो नंबर 4 में आना है पुत्र, स्टूडियो नंबर 4। थैंक यू सर, सर मैं आ जाऊंगा सर, सर थैंक यू सर, सर मैं आ जाऊंगा सर, सर थैंक यू सर। मैं खुशी के मारे पागल हो गया, दीवाना हो गया। मुझे लगा था सालों साल लग जाते हैं काम मिलते मिलते, और पहले ही दिन इतने बड़े आदमी ने मुझे काम दे दिया। वहीं से गया अंधेरी स्टेशन, ट्रेन पकड़ी, गलती से आ गया फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, और वो भी विदाउट टिकट, और आ गए टीटी टिकट टिकट टिकट। टिकट तो नहीं लिया सब, क्या नहीं लिया टिकट? चनी लट्टी, ये क्या तुम्हारे पिताजी की गाड़ी है? चनी लट्टी सर जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी में था सर जी। जल्दी में थे, आप कहीं पे भी घुस जाएंगे, जाइए जाइए मेरे घर में घुस जाइए, आप जल्दी में है, क्या कम करते हैं आप? सर जी एक्चुअली मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ सर जी। कलाकार? अरे इधर आ बाबू साहेब, इधर आ, हम तो एक कलाकार है। आज शायद 30-45 साल पहले हम और अमिताभ बच्चन साथ सहित आए थे इन लोग बात से यहाँ एक्टर बनना, हमें कौन ज्यादा फर्क ना है, कोई कुछ ज्यादा फर्क ना है, वो चला गया फिल्म लाइन में और हम आ गया रेलवे लाइन में, वो चलता है ऐसी कार में और हम चलते हैं ऐसी चार कार में, बस कितना सही फर्क, कुछ करके दिखाओ। यकीन मानिए साहब उस भरे हुए फर्स्ट क्लास के डिब्बे में लंगड़े लूले की एक्टिंग की, तब जाके जान छूटी। वहीं से सीधा गया घर, पूरी रात ना सोया ना खाया ना पिया, सुबह जल्दी उठा, ट्रेन पकड़ी, अंधेरी स्टेशन पहुंचा, वहां से टैक्सी ली और सीधा स्टूडियो। अब आप पूछेंगे कि आपने टैक्सी क्यों ली, स्टूडियो तो सामने ही था। तो मुझे किसी ने बता रखा था, बाबूजी अगर आप टैक्सी लोगे ना बाबूजी, आपको बस में कभी रखेगा नहीं बाबूजी। पर आपने
मेरी किस्मत ही खराब। उस साले वॉचमैन ने टैक्सी के बावजूद भी रोक दिया, पर अपने बाद भी फॉर्मूला तैयार था भाई। शाब जी, रुकिए शाब, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको अंदर गीजे मिलने जाने का है, वरना मैं आपको छोड़ेगा नहीं शाब। अंदर मैं आपको जाने देगा नहीं शाब। किसे मिलने जाने का है आपको? यश चोपड़ा जी यहाँ है क्या? वो जी शाब, यश चोपड़ा शाब तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो अभी तक नहीं है। अगर वो आए तो कह देना कि हम अंदर है। चलो ड्राइवर। जी साहब, अगर यश चोपड़ा जी आएगा हम उसको बोलेगा कि आप अंदर है। पर आपका नाम क्या है साहब जी? अबे साले साले, तू यश चोपड़ा को जानता है और तू मुझे नहीं जानता है। तू मुझे नहीं जानता। जी साहब, अगर आप यश चोपड़ा जी को जानते हो आपको खून नहीं जानता, जाइए अंदर। लो जी, झूठ बोल के चल दिया अंदर। ढूंढ रहे हैं कि स्टूडियो नंबर 4 कहाँ है। वो वहां पे है 1, वो है 2, वहां है 3, हाँ वो रहा स्टूडियो नंबर 4। अंदर गए तो क्या देखता हूँ कि बहुत बड़ा सा फिल्मी सेट है। फिल्मी सेट जो आपने और हमने हजारों फिल्मों में सैकड़ों बार देखा है। नीचे बहुत बड़ा लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है, 5-6 बहुत बड़े बड़े सोफा सेट पड़े हुए हैं, बीच में बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है, एक लंबी सी सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही है जिसमें से कभी बाप नीचे आएगा, कभी विलन नीचे आएगा स्लाइड करते हुए, और कभी प्रेग्नेंट बहू नीचे आएगी लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते। चारों तरफ काम चल रहा है, कहीं खेल की ढुकाई हो रही है, कहीं चाय पिला रहे हैं, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं तो लाइट की सेटिंग हो रही है। अरे भाई, अरे इधर ला भाई, सॉफ्ट करो थोड़ा सा, अब थोड़ा हार्ड करो, अब इधर ला, इधर लाओ, सॉफ्ट करो, हार्ड करो, थैंक यू। फिर मैंने देखा कि कहीं कूली साहब दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये यहाँ बैठे सीन पढ़ रहे थे, मैं पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर। ओए यार, अभी आ गया तू 9:30 बजे? ए बड़ा पंक्चुअल है मेरी एपी भी दी अभी। ओ महेंद्रा, ओ महेंद्रा, ओ यार ये एपी नाम का मुंडा आया है, इसको काम समझाओ। महेंद्र नाम का आदमी आया, मुझे एक कोने में ले गया और मुझे काम समझा दिया। लो सर, मैं बन चुका था कोली साहब का 4th असिस्टेंट डायरेक्टर, मशहूर मारूफ डायरेक्टर कोली साहब का 4th असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैंने देखा कि 11:30 बज गए हैं, अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ। कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, तो बाहर ही चले गए हैं, काम क्यों नहीं हो रहा यार? मेरा पहला दिन, मैं बड़ा परेशान। जैसे यहाँ खड़ा हुआ, सामने का दरवाजा खुला और कोली साहब चीखते हुए फुनफुनाते हुए आग बबूला होते हुए बाहर आया। ओए की समझती अपने आप को, ये की समझती अपने आप को? ओए पहले इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, जब शूटिंग की डेट मिलने के बाद इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, परसों जब 30 लाख कैश घर भेजा तब इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, जब 20 लाख का ड्राफ्ट बना के भेजा तब इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, और मेरा सेट कड़ा हो गया है, इसकी तबीयत खराब हो गई है, और ये 4 दिन यहाँ किस दबंगा ले रही है, और मैं इम्फा का चेयरमैन हूँ, उसका सेक्रेटरी हूँ, उसका ये हूँ, इसको इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा दूंगा, तबाह कर दूंगा, जब मेरा भी नाम IM कोहली है। सर आयन दो बार क्यों बोल रहे हो सर? अरे जानता नहीं है, इंदर मोहन नाम है मेरा, और इधर वो एपी उच्चार दे कर इतनी श्री मल्ला। सर मैं नहीं जानता, और कहीं नहीं होए, हमें गड्डी ले, हमारा ड्राइवर ले, और कैसे ले आएगा, कैसे ले आएगा, और कैसे ले तू से? अरे बाप रे, पहले ही दिन मैं इतना बड़ा काम करूं, मैं एक 4th असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमाला जी के घर जाऊं, 2 श्रीमाला जी के घर जाऊं और उसे घर से उठा के लाऊं? पर बॉस ने कहा है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा,
गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली 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 और पाल हिल के बहुत बड़े बंगले में जाके रुकी। एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था, एक एक वॉचमैन भी बैठा हुआ था कैबिन के अंदर। अंदर गया तो एक बहुत बड़ा आलीशान ड्राइंग रूम था जो कीमती साजो सामान से सजा हुआ था। समझ गया कि किसी फेंगशुई वाली ने काफी चूना लगाया मैडम को। तब एक साउथ इंडियन आया आ गई। आप देर चुप चाप बैठे ना, मैडम रेडियो की आदत। बैठ गए जी, हम बैठ गए जी। नीचे एक मखमली कारपेट था। चुन्नू मुन्नू बंटी बबली, ये कुत्तों का नाम है। अय्या, इन्हीं को कुत्ता नहीं बोलना जी, ये मैडम का बच्चा लोग है। द बाबा द बेबी, ये मैडम के साथ मैडम के बेड पे सोती, उनके साथ कान काटती। फिर सामने का दरवाजा खुला और श्रीमाला जी बाहर आई। बेजोड़ सी अटूट सुंदरिया, उनको देखा तो बस देखता ही रह गया। पर उसने मुझे ऐसे देखा कि गंदी नाली का कीड़ा मेरे घर में क्या कर रहा है। एना, मुझे कौन है ये? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैडम, ये आपको आपकी शूटिंग के लेने को आया। How did you come inside my house? How did you come inside my house? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आप लोगों के लिए बाहर जगह बना रखी है ना वॉचमैन के साथ, और क्यों नहीं बैठते हैं वॉचमैन के साथ? Oh God, इतना गंदा जूता लेके आप मेरे कारपेट पे आ गया? The girl is very stupid fellow. All of a sudden, you get to fetch me. मनीमन बोला, डांट ले जितना मर्जी डांट ले, आज तो मेरा ही दिन है, इतनी बड़ी हीरोइन को साथ जो लेके जा रहा हूँ डांट ले। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारी गाड़ी स्टूडियो में घुसेगी, कुली सब भागे भागे आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हमारी गाड़ी स्टूडियो में घुसी, कुली सब भागे भागे आए और गले भी लगाया, पर मुझे नहीं, श्री माला को। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, वो 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 यार तबीयत खराब सी, वो तबीयत खराब सी तो क्यों हुआ? पैकअप कर लेते, मैं कुल्लू दे पट्टे को कितनी देर से समझा रहा हूँ कि बेबी को परेशान मत करो, मत करो, मत करो, वो मेरा सेट कहीं भाग जा रहा है। ओए बेबी, मैं तो मैं डॉक्टर बुलावा, फ्रूट खिलवावा, जूस पिलवावा, मैंने दस में की करा बेबी। मैंने कहा चलो भैया, हाथ मुंह धोऊं और काम पे जाऊं। जो फूटी पर से पत्तूर उतारी तो उधर कैलेंडर, 18 मार्च यानी महाबदल का जन्मदिन। आज हम काम पे नहीं जाएंगे, अकेले हैं तो क्या, हम अकेले अपना बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, happy birthday dear happy, happy birthday to me, nyam 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 nyam। सीधा केक खाया और अपने बैंक गया। हाँ जी, कितना बैलेंस है मेरा? 820 रुपया। तो कम से कम कितना छोड़ू? 100 रुपया और लाइए 720 रुपया। पैसे जेब में डाले और घुस गया एक लेडीज बार में। हमने भी सुना था कि बड़े लोग दिन में जिन पीते हैं, थोड़ी दो जिन ले। पहले दो जिन मंगवाई, फिर और दो,
लगता है कि शराब पिएगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भाग जाएगी, पर ऐसा नहीं है। शराब पीने से फ्रस्ट्रेशन साली डबल इम्पैक्ट से वापस आती है, क्योंकि फिर वही ख्याल दिमाग में आने लगे, फिर वही अपने कुमार साले किधर से शुरू किया था तूने और तू किधर पहुंचा ही है। देख आज तू काम पर नहीं गया तो किसी ने फोन करके पूछा कि हैप्पी कुमार जिंदा है कि मर गया। जब सेट पे हैप्पी कुमार ही, सबको हैप्पी कुमार ही थी, वरना कोई उसे पूछता ही नहीं है। ये तो वही बात हुई, खाली में रास्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्या ना जी, कितना बिल हुआ मेरा 620 रुपया यार, रखा 720 100 रुपया टिप। एस करो एस करो। उस दिन मैं उस लेडीज बार से बाहर क्या निकला, फिल्म लाइन से बाहर। पहले कदम कदम स्टूडियो की तरफ भागते थे पर फिर आदत सी पड़ गई। फिर मेरे किसी दोस्त ने बताया कि एक जिम है, उसमें सुपरवाइजर की जॉब है, तुम करोगे? हमने हाँ बोल दिया, आखिर पेट तो पालना ही था, काम कुछ ज्यादा नहीं था। सुबह सवेरे जिम को खुलवाओ, साफ सफाई करवाओ, मशीनों को मेंटेन करो, जो क्लाइंट्स आते हैं उनको एक्सरसाइज में हेल्प करो, बस यही काम था। सिस्टम क्या था, जिम में दो सेक्शन थे, लेडीज और जेंट्स, और कुछ दिन के लिए मेरा काम लग गया लेडीज सेक्शन। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी थी कि औरत की इज्जत करना सीखो वरना डेंजर धोखा, और ये मैंने सीखा फिल्म लाइन में। मैंने कई हीरोइनों के साथ काम किया, अगर आप तमीज से पेश नहीं आएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, हम तो तमीज से पेश आ रहे हैं पर सामने वाले। मिसाल के तौर पे जब मैं कोहली साहब के साथ था, कोहली साहब ने बहुत बड़ी हीरोइन को साइन किया, बहुत बड़ी हीरोइन। अब जैसे जिंदगी में मुसीबत अकेले नहीं आती, वैसे ही शूटिंग पे हीरोइन भी अकेले नहीं आती, साथ में आती है उसकी माँ। जी हाँ, हीरोइन की माँ, जिसके नखरे हीरोइन से ज्यादा होते हैं, जिसके नखरे पूरे करने के लिए डायरेक्टर क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या, कास्टिंग डायरेक्टर क्या, सब लाइन में लगे रहते हैं। और अगर हीरोइन की माँ की विश पूरी नहीं हुई तो आपकी फिल्म बंद, आपका पैकअप। हमेशा की तरह मुझे कोहली साहब ने बुलाया, अरे हीरोइन की माँ ना, जो हीरोइन की माँ ना ये बड़ी टेढ़ी लड्डी है, इसने बड़ी बड़ी पिक्चरें बंद कराई हैं, अब काम बहुत ज्यादा है, 12 दिन का शेड्यूल है और डेली 12-12 घंटे काम करना है, ऊपर से फाइट है, क्राउड है, ड्रामे है, एकदम कम कर दे, हम ना अपने कम का डिविजन कर लेते हैं। सर वो कैसे? वैसे कि हीरोइन को संभालूंगा मैं और हीरोइन की माँ को संभालेगा तू। अरे नहीं सर, सर प्लीज, बड़ा समझाया चल नहीं माने, बॉस ने कहा है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा। तो मैंने हीरोइन की माँ की ड्यूटी शुरू कर दी। उम्र होगी कुछ 55 साल की, मेरी नहीं उस बुढ़िया की, और फिगर भी माशाल्लाह अस्त व्यस्त था। और देखकर लगता था कि इमारत भी कभी बुलंद थी, और बुलंद भी थी तो कोई ताजमहल नहीं थी, छोटा मोटा टूटा फूटा मकबरा ही थी। जनाब मैंने हीरोइन की माँ की ड्यूटी शुरू कर दी। उसने अंधेरे कमरे में मुझे पकड़ लिया और वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने कुछ बहाना बनाने को सोचा, बोला मम्मी जी लगता है कोई आया है, पीछे से धक्का आया, कोई नहीं हर राजा आजा। अब इस बार और जोर से पकड़ लिया। फिर मैंने देखा लाइट आ गई और साथ में स्टूडियो का तबलची भी आ गया। उसने आते ही पूछा, तादिन दिंदा
मैंने बोला ना ना मुन्ना ना ना मुन्ना। अरे अरे नहीं, वो मैडम को वो गाने गाने का शौक है ना, हम वो माइक टेस्टिंग कर रहे थे। मैंने मन सोचा कि पिछले 3 घंटे से पूरे एरिया में लाइट नहीं है, ये मैडम कौन सी माइक की टेस्टिंग कर रही है। खैर साहब, उस दिन तो मैं बच गया, पर ये तय था कि अगर मैं इस लेडी के साथ और रहा तो आज जो कांड नहीं हुआ है वो होके रहेगा। उस रात को मैं फिर से कोली साहब के घर पे चला गया। वो एज यूजुअल 4 पटियाला पैग लगा के सेट रहते थे। गुड इवनिंग सर, सर मैं कमिंग। आजा 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 सर, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी सर। हाँ बता पुत्र, की बात करनी है? तो डर पैसे नहीं मानिया और बता की चंदा। सर पैसे की बात नहीं है सर, सर वो जो हीरोइन की माँ की ड्यूटी है ना सर, वो मैं नहीं कर सकता हूँ सर। क्यों क्या क्यों नहीं कर सकता तू हीरोइन की माँ की ड्यूटी है, क्यों नहीं कर सकता? सर मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को पीछे वाले कमरे में ले गई, वहां पे लाइट नहीं थी, तो मैं नहीं कह सकता सर उसने मेरे साथ क्या किया। Okay.